इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज द स्पीड ऑफ द साउंड, आप इमेजिन करें। आरजू जी, क्या था जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पूरे सिनेरियो में इंडिया की एक कंपनी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपने रॉकेट सैटेलाइट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, उनको लॉन्च भी खुद करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम ममालिक हैं जिनको लॉन्चिंग आती है, इंडिया ने इसमें महारत हासिल कर ली हुई है। इंडिया अपनी प्राइवेट कंपनी से ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला है। अच्छा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो आई अंडरस्टैंड इसरो। जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ये लोग ऐसे आजू जी, ये स्कूटर पे आते थे, हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर के टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते और काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। दिन ब दिन हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो अपील कर रहे होते हैं इंडिया से कि हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करो, अपने रॉकेट्स के साथ लॉन्च करो। वो टेक अवे ये है कि देयर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर, और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। दुनिया में तहलका मच गया, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल करे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने कल एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में अपना पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। ये रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले सैटेलाइट और रॉकेट छोड़ने का सारा जिम्मा इसरो के कंधे पर था। इसरो एक गवर्नमेंट बेस्ड संस्था है। इसरो बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दे चुकी है। अब उसका साथ देने के लिए इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स ने भी कमर कर चुकी है। प्राइवेट कंपनी के आने से स्पेस में सैटेलाइट छोड़ने को लेकर इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा। अपने पहले मिशन में विक्रम एस ने 3 देशों के छोटे सैटेलाइट कामयाबी से साथ छोड़े हैं, जिसमें आर्मेनिया का सैटेलाइट भी छोड़ा गया है। इससे पता चलता है कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ने कितने आगे की सोच रखी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया के सैटेलाइट और रॉकेट्स के कामयाबी को देखकर जलता रहता है। अगर इंडिया किसी स्पोर्ट्स में हार जाता है तो वहाँ की मीडिया इस तरह से शो करती है कि पता नहीं पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया है, और खुशी के हमारे पागल हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के अचीवमेंट्स को कभी भी अपने मीडिया में नहीं दिखाती है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ की पब्लिक से इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में उनके विचार दिखाने की हिम्मत करते हैं, तब उनके एजुकेशन का लेवल पता चलता है और उनकी तरबियत कहाँ तक है ये भी पता चलता है। तो चलिए आप भी इनके विचार जानिए और इंडिया की एक और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए जो शायद वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी है। वर्ल्ड कप तो हर साल आते रहते हैं मगर ऐसी अचीवमेंट हासिल करने के लिए साल लग जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि जो इंडिया है उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रम के नाम से, विक्रम एस के नाम से, उसको भी लॉन्च किया है। इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि 5544 kg का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप इमेजिन करें, और 83 kg का जो पेलोड ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली, गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था, वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। बट एनी हाउ, अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पावर देखना चाह रहा है, दे डोंट वॉन्ट चाइना एंड एशियन पावर। सो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज अमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज ए न्यू एशियन पावर तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली कंपीटिंग, कंटेस्टिंग फॉर पावर, फॉर मनी, फॉर रिसोर्सेज, फॉर एवरीथिंग अगेंस्ट द चाइनीज। सो दैट इज वेयर आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर व्हाट वी हैव टू सी वेरी केयरफुली। के जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पर ये अगर मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास छोटे बच्चों से पूछूं, उसको नहीं पता,
सबको नासा पता है, नासा सबको पता है, नासा की टोपी exactly. टी शर्टें लगाते हैं, और आपको पता है इसरो का बजट इज 100th ऑफ दैट ऑफ नासा. जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा यार ये मैंने सुना ये सच है क्या, बोला हाँ सब सच है, बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं, हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी. इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपेरिजन ही नहीं, बट द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन. देखिए मैंने आर्यन्स, मैंने नासा तो नहीं देखा, मैंने आर्यन स्पेस देखा, EADS देखा, अंदर घूमा पूरा आर्यन स्पेस देखा मैंने, इसरो के साथ मैंने काम किया है सम डीलिंग्स विद इसरो, तो आई अंडरस्टैंड इसरो. जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ये लोग ऐसे आजू जी, ये स्कूटर पे आते थे, हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर के टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते और काम करते हैं. इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है, बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं. मैंने ऐसी डेडिकेशन शायद ही किसी और इदारे में देखी. दे आर 100% डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर क्रेजी फॉर देयर वर्क, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क. और जो इनमें एक अपने काम का ऑब्सेशन और देश का जो प्यार है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. ये है इसरो की सक्सेस का सबसे, पैसे नहीं है, ये लोगों का जो डेडिकेशन है, जो जुनून है. अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है, और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे. इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की एक कंपनी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस. हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपने रॉकेट सैटेलाइट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, उनको लॉन्च भी खुद करता है. दुनिया में ऐसे बहुत से कम ममालिक हैं जिनको लॉन्चिंग आती है, इंडिया ने इसमें महारत हासिल कर ली हुई है. इंडिया अपनी प्राइवेट कंपनी से ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला है. दिन ब दिन हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक, वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो अपील कर रहे होते हैं इंडिया से कि हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करो, अपने रॉकेट्स के साथ लॉन्च करो. तो जिस तरीके से इसरो हमें नासा को कंपीट करते हुए बराबर नजर आ रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है? इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से. नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है, दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है. क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है ना, वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर, उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास, जहां से लोगों को अपना काम मिल जाता है, जो भी जिस फील्ड का भी हो. तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं. अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है. पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना अभी. अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए. जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें सोशल मीडिया और जो बाकी मतलब एक इस तरह की चीज़ें हैं ना, इधर से निकलकर हमारी नौजवान नस्ल को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें. मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना रोजे अजल से डे वन से चाइना का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.